दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की एक कमाल के ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको शायद ही पता ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ग्लोरी एंड आप देख रहे हैं ग्लोरी टेक, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो दोस्तों, मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरी से सॉन्ग के लोगों को हाइड कर सकते हैं, तो उस वीडियो में आपसे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और कुछ दोस्तों के कमेंट्स में आए थे कि हमें समझ में नहीं आया। और आज मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से किसी भी सॉन्ग के लोगों को हाइड कर सकते हैं और सॉन्ग भी प्ले होता रहेगा और सॉन्ग के लोगों को हाइड कर सकते हैं और अपनी इंस्टाग्राम या फेसबुक स्टोरी को इंटरेस्टिंग और यूनिक बना सकते हैं और हर कोई बोलेगा कि आपने सॉन्ग के लोगों को कहाँ गायब कर दिया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। और वीडियो पूरा देखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, उसे आप जल्दी से दबा दीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ और दिखाते हैं आपको कि कैसे हम आसानी से किसी भी सॉन्ग के लोगों को स्टोरी से हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने फेसबुक अकाउंट में और यहां पे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि हम अपनी फेसबुक स्टोरी से यहां पे जो है सॉन्ग के लोगों को कैसे यहां पे हाइड करते हैं। तो यहां पे मैं क्लिक कर लेता हूं और यहां पे मैं अपनी एक फ़ोटो जो है यहां पे स्टोरी ऐड करता हूं। तो यहां पे मैं एक चूज कर लेता हूं फ़ोटो को। तो यहां पे मेरी एक ये फ़ोटो है और यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं किस तरीके से। तो ये एक फ़ोटो है और इसके ऊपर हम यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक, तो म्यूजिक पे क्लिक कर देते हैं और मैं यहाँ पे एक सॉन्ग को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस सॉन्ग को यहाँ पे जो है ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो है इस सॉन्ग को आपको जो है पहले इस लोगो को आपको छोटा करना है कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से और इस तरीके से, और यहाँ पे इसको इस तरीके से नीचे की तरफ इस तरीके से, देखिए ये हमने यहाँ पे जो है फेसबुक स्टोरी से जो है सॉन्ग को हाइड कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉन्ग भी प्ले हो रहा है और इसको हम अपनी स्टोरी में कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक में स्टोरी में सॉन्ग को हाइड कैसा करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंस्टाग्राम में सॉन्ग के लोगों को हाइड करके। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मैं फ़ोटो पे जाके यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है और यहाँ पे जो है हम एक सॉन्ग इसमें ऐड कर देते हैं। तो म्यूजिक में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो है हम एक सॉन्ग जो है इस सॉन्ग को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी आपको सॉन्ग के लोगों को कुछ इस तरीके से छोटा करना है और इतना छोटा करना है इसको और इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे या इस तरीके से, देखिए ये हो चुका है यहाँ पे सॉन्ग हाइट, सॉन्ग का जो लोगो है वो हाइट हो चुका है और सॉन्ग भी यहाँ पे प्ले हो रहा है और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से जो है शेयर कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉन्ग का लोगो कहीं भी मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉन्ग का लोगो हाइड है और सॉन्ग भी प्ले हो रहा है। और अब मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो रहा है और यहाँ पे सॉन्ग का लोगो कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है सॉन्ग का लोगो को हाइड करना है अपनी स्टोरी से। आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है अपने स्टोरी से किसी भी म्यूजिक के लोगों को हाइड करना है। और कोई अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको सॉन्ग का लोगो हाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक रखिए अपना ध्यान। सो बाय बाय दोस्तों।